हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आई होप यू आल्सो बी फाइन। आज मैं डीएवी पब्लिक स्कूल की क्लास 3 की चैप्टर फ्रैक्शन में वर्कशीट 1 कराऊंगी। बच्चों, आज मैं डीएवी पब्लिक स्कूल की क्लास 3 की सब्जेक्ट मैथ्स में चैप्टर फ्रैक्शन कराऊंगी और साथ में वर्कशीट 1 भी कराऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं फ्रैक्शन चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स है वो आपको क्लियर होना चाहिए, तब आप वर्कशीट आराम से कर सकते हो। जैसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन होता क्या है। व्हाट इज फ्रैक्शन? तो फ्रैक्शन इज एन इक्वल पार्ट ऑफ ए होल। फ्रैक्शन क्या होता है? इक्वल पार्ट ऑफ ए होल। होल मतलब क्या होता है? पूरा। जैसे ये क्या हो गया, ये पूरा है, तो इसको क्या करेंगे आप? फ्रैक्शन। लेकिन अब इसको अगर आपको कह दिया जाए कि हाफ बांटो, वन एंड हाफ, तो क्या करोगे? हाफ क्या करोगे? ये दो बांटोगे, इसमें फोर है ना, 1 2 3 4। तो क्वार्टर मेक्स अ होल। ये चारों को अगर आपने पूरा ज्वाइन कर दिया है तो ये क्या हो गया? होल, पूरा है। लेकिन आप इसको हाफ बोलेंगे तो अब ये 1 2, ये दो कर लेंगे, इसका हाफ हो गया, तो ये क्या हो गया? आप इसको बांट दिए। लेकिन अगर ये पूरा है तो ये क्या हो गया? होल। बच्चों सेकेंड, द अपर। अपर मतलब क्या होता है? ऊपर। द अपर नंबर ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड न्यूमरेटर। जैसे मैंने ये 3/7, 3 क्या है? ये ऊपर हो गया और नीचे क्या हो गया? डिनोमिनेटर। तो ये जो ऊपर का पार्ट होता है, जो ऊपर अपर नंबर होता है, इसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और नीचे वाले को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। थर्ड, द लोअर नंबर ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। अब दूसरा पॉइंट, राइट फ्रैक्शन ऑफ कलेक्शन। अब फ्रैक्शन का भी कलेक्शन उसको आप कैसे पढ़ सकते हो? ये 1/4 है तो क्या इसको कैसे पढ़ोगे? वी रीड, इसको कितने भागों में बांटे आप? टोटल 4 है। अब इसको बांटना कितना? 1 में बांटना। हमेशा याद रखो कि जितना डिनोमिनेटर होता है वो पूरा होता है और ऊपर जो होता है उसको उतना में डिवाइड करना होता है। तो वी रीड 1/4 एज 1/4। इसको आप वर्ड्स में ऐसे भी पढ़ोगे, ऐसे कहेंगे 1/4, लेकिन इसको वर्ड्स में आपको ऐसे पढ़ना होगा। 1/4 भी कई बार बोलते हैं कि 1/4 दे दो, 1/4 ले आओ। ये क्या है? 3/4। वी रीड 3/4 एज 3/4। 1/9, वी रीड 1/9 एज 1/9। मतलब उसका 9 है लेकिन उसका क्या रीड करना? 1/9, उसका एक पार्ट आपको बांटना है 9th में से। 8/9, 8/9। बच्चों जैसे ये क्या है? 1/2, ये क्या है? हमारे पास 2 क्रेयंस है। बच्चों जैसे हमारे पास ये 2 क्रेयंस है, कितना हमारे पास? 1/2। तो हमारे नीचे जो डिनोमिनेटर है वो क्या बताता है? क्वांटिटी, की हमारे पास कितना है और हमें उसे कितने में बांटना है? 1 में बांटना है। तो हमारे पास 2 है तो आप इसमें से क्या करोगे? 1 को हटा दोगे तो आपके पास ये 1 बचा। जैसे मान लीजिए कि आपके कभी फ्रेंड्स है, कोई कलर नहीं लाया था, आपसे कोई मांगते शेयर करते, तो आपके पास 2 है तो आप क्या करोगे उसको? आपके पास टोटल कितना? 2 है तो आप क्या करोगे? एक आप खुद रख लोगे और एक आप अपने फ्रेंड्स को तो दे दोगे, तो आपके पास कितना बचा? 1 बचा। बच्चों जैसे कि 4/11, इसको कैसे पढ़ोगे? 4/11, मतलब आपको क्वांटिटी कितना है? 11। तो बच्चों 12 लिख दिए थे, तो क्या आपके टोटल क्वांटिटी कितना? 11। आपको बांटना कितना, डिस्ट्रीब्यूट कितना है? 4। 5/7, इसको आप कैसे रीड करोगे? 5/7, इसको आप वर्ड्स में इस तरह से भी बोलते हैं। बच्चों अब वर्कशीट 1 करते हैं। वर्कशीट 1 का क्वेश्चन नंबर 1, शेड। शेड मतलब क्या होता है? कलर करना। शेड द फिगर्स, ये जो फिगर्स बने इसको आपको क्या करना? शेड करना। दैट रिप्रेजेंट द गिवन फ्रैक्शन, ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको आपको रिप्रेजेंट करना है। किसके थ्रू? शेड के थ्रू, मतलब कलर के थ्रू। तो हमारा कितना है ये? 2/3। अभी मैंने जैसे बताया आपका नीचे जो डिनोमिनेटर जो होता है वो टोटल आपके पास क्वांटिटी जितना आपके पास है, और आपको ऊपर का जो न्यूमरेटर है 3 में से आपको 2 क्या करना है? बांटना है, डिवाइड करना है। तो आप इसको क्या शेड करोगे? 3 है और ये 2 है, तो इसको क्या करना है? 2 को शेड करोगे कलर को। बच्चों जैसे पहले मैं आपको गिन के यहां पे काउंट करके देगी, 1 2 3, आपके पास ये 3 है, ये फिगर में बने। अब इसको 2 आपको शेड करना है, तो कोई भी आप कर सकते हो, चाहे नीचे ये आपने कि ये शेड कर दिया, और एक ये कर दिया, तो आपने 2 क्या कर दिया? शेड कर दिया।
तो आपका एक लेफ्ट रह गया। बच्चों ये बी पार्ट, बी पार्ट क्या है, 7/15 हमें ये रिप्रेजेंट करना है शेड के थ्रू। तो पहले तो आप पूरा क्वांटिटी गिनो, है भी कि नहीं, जरूर से गिनना, कभी एग्जाम में पेपर में भी आ जाए पहले आप उसको काउंट कर लो, कई बार गलत भी होता है तो आप लोग क्या है मैम को बता तो सकते हो कि मैम इसमें ये कम है, मैं आपको यहाँ पे काउंट करके दिखाती हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हो लेंथ में, चाहे आप ऐसे विड्थ में भी कर सकते हैं काउंट, आपकी जैसे आपको आप सुविधा लगे। मैं आपको ऐसे करके दिखाती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये 15 है और कितना रिप्रेजेंट करना है हमेशा न्यूमरेटर को, 7 करना है। तो 7 में आपको अभी कलर करके शेड दिखाती हूँ। 1, आप काउंट भी करते जाना बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये बहुत ही इजी होता है बच्चों, करने बहुत ही मजा आता है कि आपके पास इतना है। आप ये एक प्रकार से डिवाइडल पे इसका तरीका दूसरा है फ्रैक्शन में। बच्चों अब सी पार्ट करते हैं, सी पार्ट क्या है, 3/5, ये भी मैं आपको काउंट करके दिखा दूंगी, 1, 2, 3, 4, ये 5, टोटल 5 हमें 3 इसको शेड करने हैं। तो अब कोई भी, तो अब इसको पहले करो 1, 2, 3, 3 आपको शेड करने हैं। अगर बच्चों कभी आप होते हैं ना स्कूल गए हो कलर नहीं है आपके पास का, परेशान होगा मैं कैसे करूं, तो आप क्या करते हैं पेंसिल का भी यूज कर सकते हो, लेकिन कलर हो तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है, मार्क्स भी आपको अच्छे मिलते हैं। अगर नहीं है तो पेंसिल से आप कर लेना, परेशान नहीं होना। बच्चों डी पार्ट, डी पार्ट क्या है, 4/6, तो 6 हमारा टोटल हो गया। आप तो आप बच्चों समझ ही गए होंगे कि क्या है, डिनोमिनेटर नीचे का होता है डिनोमिनेटर, ऊपर का होता है न्यूमरेटर। तो आपका नीचे हो गया टोटल 6 और ऊपर जो दिया रहा था उसी को आपको कलर करना है, शेड करना है। अब इसमें 4 करना है, 1, 2, 3, 4 आपको 4 करना है। बच्चों ई पार्ट, ई पार्ट कितना, 6/8 है, तो हम क्या करते हैं 6 को सेट करना है। आप करते जाओ काउंट भी करते जाओ साथ साथ, 1, 2, 3, 4, 5। बच्चों आप जब भी कलर करोगे तो क्या, तो जिस शेप में होता है ना आपका डायग्राम बना होता है फिगर, आपको उसी शेप में कलर को चलाना होता है, इससे क्या होता है कलर आपका कभी बाहर नहीं निकलेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारा 6 हो गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फ्रैक्शन टू रिप्रेजेंट द शेडेड पार्ट इन ईच। अभी उसमें क्या था, अभी हमको जितना उसमें दिया हुआ तो उसको कलर करना था, अब इसमें पहले से कलर किया हुआ है और इसमें हमें क्या फ्रैक्शन लिखना है, इसका जस्ट उल्टा हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास कितने कलर किए हुए, कितने 2, हमारे टोटल कितने हुए 1, 2, 3। अब आपको पहले आपको काउंट कर लेना कि टोटल कितने हैं, जो टोटल कितने वो डिनोमिनेटर में जाएगा और जितने शेड करने हैं किया हुआ है वो न्यूमरेटर में होगा। तो हमारा क्या हो गया ये, तो हमारा हो गया ये 2/3, जो टोटल क्वांटिटी होते वो डिनोमिनेटर हुआ, जो शेड पार्ट हुआ न्यूमरेटर हुआ। बच्चों बी पार्ट, बी पार्ट क्या है आपका, कितने का शेड किए हुए हैं, 1, 2, 3, 4। पहले तो आप ऊपर, अगर 4 है उसको सीधे पहले आप ऊपर लिख लो न्यूमरेटर, तो ये क्या लिख जाओगे 4। अब फिर डिनोमिनेटर टोटल कितने हैं, अब उसको काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल कितने हुए 12। तो आपका ये फ्रैक्शन क्या बना, 4/12।
बच्चों इस सी पार्ट क्या है हमारा 5/16। तो हमें क्या करना, 5 को शेड करना है और टोटल कितने हमारे पास 16। तो आप जहां से आप काउंट करोगे वहां से आप पहले फिंगर रख लो, पहले आप पूरा टोटल काउंट करो तभी तो आप कर पाओगे 5। तो आप यहाँ पे 1 से स्टार्ट करो, मैंने फिंगर रखा हुआ है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो टोटल क्या हो गया हमारा 16। तो 16 क्या होगा, डिनोमिनेटर। और ये जितने कलर किए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 5 क्या हो गया हमारा न्यूमरेटर। तो हमारा फ्रैक्शन बना 5/16। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पे कुछ फिगर बने हुए हैं और उसके यहाँ पे वर्ड्स में नंबर्स लिखे हुए हैं। अब पहले आपको सबसे पहले ये देखना है कि कलर कितने किए हुए हैं, 1, 2, 3। तो आपको क्या कर लेना है, ये आपको यहाँ पे जो कलर किया तो क्या होता है न्यूमरेटर, उसको सबसे पहले ऊपर लिखते 3, फिर टोटल कर लो कितना है। ये 3 तो कलर आपको पता चले गया, 4, 5, 6। तो यहाँ पे क्या हो गया 3/6। तो इसका आप देखो 3/6 कहाँ ले, इसको कैसे पढ़ते, 3/6 भी पढ़ सकते हैं। तो इसको मैच कहाँ करेंगे, कहाँ पे लिखा है, THREE 3/6, SIX THE 6। तो इसको क्या करोगे, यहां से आपको मैच करना है। अब इसमें भी सेम वैसे ही करना है, कितने शेड किए हुए कलर किए हुए हैं, 1, 2। तो अब क्या करोगे 2, और कितने टोटल है 1, 2, 3, 4। तो ये क्या 4। तो आप देखो 2, 4 कहाँ लिखे हुए हैं, TWO 2 FOUR TH 4। तो 2, 4 का आपको यहाँ पे हो गया। अब इसमें भी देखो कितना कलर किया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। पहले जितने कलर किए उसको आपको लिख लेना है, फिर टोटल आप यहाँ पे कर लोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो ये क्या हो गया 16। अब इसका कैसे पढ़ेंगे, 9, 16, 9, 16, ये लिखा आपका NINE 9, SIXTEE 16, TH 16, ऐसे पढ़ते हैं इसको। अब इसमें कितने कलर किए, 1, 2, 3, 4। तो 4 आपने पहले लिख लिया ऊपर, और तो अब टोटल बॉक्स कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7। तो 4, 7 कहाँ पे लिखा है, ये FOUR 4, 7। अब कितने लीव्स है कलर, 2, और टोटल कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7। तो आपको क्या करना है, ये 2, 7। तो 2, 7 आपको यहां से ऐसे, ये 2, 7 हो गए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ फिगर, नीचे भी कुछ फिगर दिए हुए हैं, इंडिकेट द फ्रैक्शन। क्या इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट मतलब क्या होता है, बताता रहा है, क्या बता रहा है, विच रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ शेडेड फिगर्स इन ईच। कुछ यहाँ पे फिगर दिए हुए हैं सभी में, और यहाँ पे जो शेड कलर है वो हमें क्या बता रहा है, क्या फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले आप देख लो कितना यहाँ पे बने हैं, कितने, ये सोफा है 1, 2, 3, 4, 5। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया जो टोटल होते हैं वो क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो क्या हो गया 5, और कलर कितने किए हुए हैं, एक सोफा में किए, तो कितना 1/5 हो जाएगा। इसी तरह तितली में भी, बटरफ्लाई कितने कलर किए हुए हैं, 1, 2, 3। तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर ऊपर हो जाता है और फिर आप टोटल कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये हमारा 3/7 हो गया। बच्चों सी पार्ट, कितने अम्ब्रेला है, कितने पहले कलर किए उसको आपको देखना है, एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना होगा, आप कंफ्यूज मत होना। तो जो कलर किए उसको क्या होता है, ऊपर लिखते हैं कितने कलर है, 1, 2, 3, 3 अम्ब्रेला में इसमें कलर किए हुए हैं। तो 3, और टोटल कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 3/6, ये फ्रैक्शन हमारा बन गया। डी पार्ट, यहाँ पे कितने मेरे पास पॉट है गमले के, कितने कलर किए, 2। तो आपने यहाँ 2 लिख लिया, अब टोटल लिख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये हमारा कितना, 2/8। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5,
राइट द फ्रैक्शन इन वर्ड्स फॉर ईच. अब तो ये फ्रैक्शन ऐसे लिखा 3/5 पढ़ते, इसको वर्ड्स में कैसे पढ़ सकते हैं, जो ऊपर लिखा है क्या है उसको पहले लिखते हैं. तो उसको क्या लिखोगे, 3 THREE, और नीचे जो है ऐसे बीच में ये माइनस का सब्ट्रैक्शन का, इसको हाइफन बोलते हैं, उसको आप साइन लगा देना, 3/5 FIFTH लगा देते हैं, 3/5. बी पार्ट 8, 9, उसको क्या लिखो, EIGST 8, 9th NINTH, लास्ट में TH लगा देते हैं. बच्चों अब सी पार्ट 9/10. बच्चों इसके लिए आपको क्या है कि नंबर नेम्स आपको याद होना बहुत जरूरी है, और इसका मैं आई बटन में आपको इसका लिंक दे दूंगी, और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा. ये क्या है, 9 NINE 9, 10th, लास्ट में सब में TH लगा दें, 10 जो स्पेलिंग होती है फिर TH 9, 10th. डी पार्ट 5/7. तो क्या लिखोगे पहले, FIVE 5 और नीचे का 7. सब वो जो नंबर होता है, नंबर आपको पहले वही लगा, बस सिर्फ लास्ट में एंड में आपको TH लगाना है, SEVEN 7 लिखा और TH 7th. ई पार्ट ये क्या है, 6/13. तो पहले SIX 6 लिखा और ये 13 स्पेलिंग, THRTEE 13 और TH 13th, तो 6/13. अच्छा एफ पार्ट 10 लिख लोगे आप, TEN 10 बीच में ये हाइफन और 19th. तो पहले आप 9 लिखोगे, NI 19th, TEEN 19 और TH 19th. हाय बच्चों, वीडियो अगर पसंद आई हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना, जिससे कि कोई भी हमारी लेटेस्ट वीडियो आए उसकी आपको जानकारी मिल सके.